न्यूज से मैं नवल हंस। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री दीपक तनवर जी से। दीपक जी, आज राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बीजेपी को इससे कितना नुकसान और कितना फायदा होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो राहुल जी को उनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई, लेकिन और भी अच्छा होता अगर ये चुनाव और ज़्यादा निरपक्ष होता। इसमें तो ये रहा कि एक अकेला आदमी दौड़ रहा है और घर जाके बोला पापा मैं फर्स्ट आया हूँ, और पापा ने पूछा बेटा कितने बच्चे उसमें रेस में दौड़ रहे थे, पापा मैं अकेला ही था। तो इसमें तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा होता कि अगर दो चार लोगों के बीच में चुनाव होता, कुछ उठा पटक होती, लेकिन चलो ये इनके पार्टी का इंटरनल मामला है। लेकिन देखिए, राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से, मैं मुझे लगता है कि उनकी जो हैसियत है वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी को पूरा देश ने नकार दिया है। उनकी जो नीतियाँ हैं, उनकी जो एक पॉलिसी है, उसको पूरा देश पसंद नहीं करता है, जिसका उदाहरण आप देख रहे हो। हिमाचल से लेकर गुजरात तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। सारे सर्वे आप लोगों के चैनलों में सब भाजपा को भारी मतों से जिताने, जीत की तरफ दिखा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी को जाता है। और राहुल गांधी ऐसा तो नहीं है कि पिछले 15-20 साल से थे नहीं, वो यहीं थे राजनीति में। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अध्यक्ष हैं या नहीं है, ये उनके इंटरनल उनकी पार्टी का मामला है। हाँ, देखिए दीपक जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई मतलब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपको लगता नहीं है कि अध्यक्ष की जो भूमिका है उसमें भी कई सीनियर जो कदावर नेता हैं उनको लिया जा सकता था, या राहुल गांधी में ऐसी क्या बात थी कि उनको अध्यक्ष बनाया गया है? उससे बहुत पुराने कांग्रेसी अभी मतलब स्टैंड हैं जो इस काम को संभाल सकते थे, जैसा कि अभी चल रहा है न्यूज़ में। देखिए, मैं आप उनके पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं उनकी पार्टी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूँगा एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नीचे से उठ के कार्यकर्ता भी देश के सर्वोच्च पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें जमीन का कार्यकर्ता कभी भी अपने काम के बल पे, अपनी मेहनत से पार्टी के काम करते करते एक ऊंचे पद पे जा सकता है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं। दीपक जी, गुजरात आप देख ही रहे हैं, गुजरात में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, भारी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं एजेंडे जो हैं सबके आ रहे हैं, तो जीत जो है वो आपके झोली में है। कितनी मेहनत और कितना मतलब आपको मशक्कत करनी पड़ी, इस पे कुछ रोशनी डाली जरा। देखिए, विपक्षी पार्टियों ने बहुत दिन से भ्रम फैला रखा था कि नोटबंदी से ये हो रहा है। आप देखिए, पिछले चुनाव उठा के देखिए, चाहे आने वाले गुजरात देखिए, सब जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को, देश की जनता को पता है कि आज देश का उद्धार और देश का कोई भला कर सकता है तो एकमात्र पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, और जिसके जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, बाकी इसके अलावा और कोई देश का भला नहीं कर सकता। तभी आज देखिए, 24 साल से हमारी सत्ता गुजरात में, हमारी पार्टी सत्ता में, उसके बावजूद भी हम लोग फिर आने जा रहे हैं सत्ता के अंदर, तो ये हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व का मेहनत का जो वो काम कर रहे हैं, उनकी योजना जो देश के अंदर चल रही है, उन सब का ही परिफल और उनका आशीर्वाद है ये हमारा। तो ये थे हमारे साथ में दीपक तनवर जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के ये उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता दिल्ली प्रदेश में, और अभी हमने इनसे बात करी है। तो कैमरामैन जगदीश के साथ मैं नवल हंस, इंडिया गेट।